हेलो एवरीवन। तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि अभी प्रीवियस कुछ वीडियोस मैंने जोसा काउंसलिंग पर बनाई, जोसा की चॉइस फिलिंग को लेकर बात की, लेकिन यार जो हाई रैंकर्स थे या जिनकी रैंक 1 लाख के ऊपर है, तो उनका कहीं ना कहीं एक अच्छे ऑप्शंस में से लिस्टिंग में नहीं बन पा रहा है ना, वो किसी एक अच्छे कॉलेज में जा पा रहे हैं ना वो किसी एक अच्छी ब्रांच में जा पा रहे हैं। तो उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे कि उनको क्या करना चाहिए, कौन कौन से पोर्टल्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर वो किसी टॉप कॉलेज में लोअर ब्रांच ले लेते हैं तो उस सिचुएशन पे उनको क्या करना चाहिए, साथ ही साथ अगर वो किसी बढ़िया से कॉलेज में मतलब एक ठीक ठाक कॉलेज हुआ, एट एन एवरेज वाला कॉलेज हुआ, या कोई स्टेट लेवल का एक गवर्नमेंट कॉलेज हुआ, वहां पर उनको एक इलेक्ट्रिकल की सीट मिल गई या ईसी मिल गया या सीएसआईटी मिल जाता है, तो उस केस में उनको किस तरह से अपनी 4 ईयर की प्लानिंग रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग एडमिशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, हमको किस तरह से अप्लाई करना चाहिए, कौन कौन से कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहिए। इस वीडियो में मैंने कंप्लीट यार 8 लाख रैंक तक की कैंडिडेट की बात की हुई है। अगर आपकी रैंक 8 लाख तक है, या मतलब मैं बोलूंगा एनी रैंक है, 8 लाख to 9 लाख भी ले लो, अगर आपकी कुछ भी रैंक है या आप सिर्फ जेई में आप पेयर हुए, तो उस भी पर आप कैसे एक अच्छे कॉलेज में आप एडमिशन पा सकते हो, उसके लिए क्या प्रोसेस होगा। आपको जस्ट एक डिग्री नहीं लेनी, आपको एक अच्छे से प्लेसमेंट भी लेनी है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना। और यार इस पे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर बीटेक को आपको किस तरह मैनेज करना है, एक किसी एट एन एवरेज गवर्नमेंट कॉलेज में लोअर ब्रांच लेके या कोर ब्रांच लेकर आपको किस तरह प्लेसमेंट पिक करनी है, बिकॉज प्लेसमेंट पिक करना एक अलग चीज़ है, एक अपना हायर स्टडीज में जाकर प्लानिंग करना एक अलग चीज़ है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कवर अप करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम सिंपली बात कर रहे हैं तो सबसे पहले देखेंगे यार कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं, कौन कौन से कॉलेज हैं, है ना। तो नंबर 1 पे हमारा जो कॉलेज आ जाते हैं UPSEE के जो कॉलेज आते हैं, तो मैं बेसिकली ये जो कॉलेज ऑप्शन है जिनकी रैंक 1 लाख के ऊपर है उनसे रिलेटेड यहाँ पर बात करने वाले हैं। अब UPSEE में तो मैं बोलूँगा कि यार आपकी एनी रैंक हो ऑन दैट सिचुएशन की भी आपको एक कॉलेज मिल जाएगा। और मैं बोलूँगा जनरल वाले के लिए अगर वो यूनिवर्सिटी भी लेने के लिए रेडी हो, अगर वो सिर्फ राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करोगे तो आप 1.5 से 2 लाख रैंक तक कोई भी ब्रांच मिल सकती है, जनरल की बात कर रहा हूँ। अगर EWS में बात करूँ मैं तो लगभग आपका 2.5 से 3 लाख तक जा सकता है। अब यार ये जेंडर न्यूट्रल के लिए है और ये फीमेल के लिए, ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद OBC वाले का क्या है, OBC जो NCL होगा उसका मान के चलो 3 लाख के आसपास लेके 3.5 तक भी उसको मिलने के चांसेस हैं। अब ये राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज का हो गया, साथ में कुछ अच्छी खासी एक यूनिवर्सिटी भी मिल जाएंगी, इट्स मीन कि उसको एक अच्छा खासा कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज उसको मिल जाएगा, ठीक है ना, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज उसको मिल जाएगा। सेकेंड नंबर पे IPU का जो काउंसलिंग होता है जिसको हम लोग इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी बोलते हैं, उसमें लेस दैन 2 लाख रैंक होनी चाहिए, 2 लाख रैंक से कम होनी चाहिए। या मैं ऑल इंडिया कोटा अदर स्टेट की बात कर रहा हूँ, सॉरी अदर स्टेट की बात कर रहा हूँ, बिकॉज जो होम स्टेट वाले हैं उनको तो यार एनी रैंक पर भी आ जाएगा। मैं बोलूँगा एनी रैंक पर भी उनको बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं जो कि ऑप्ट कर सकते हैं। अब वो गवर्नमेंट में भी उनकी कट ऑफ वगैरह काफ़ी कुछ एक्सटेंड करती है, 3 लाख तक आप ले लो वहाँ पर, है ना। अब ज़्यादा तो कॉलेज वहाँ पर उसके अंडर में बचे नहीं, जो भी कॉलेज थे वो हट गए, निकल गए ऑलमोस्ट, है ना। तो उसके बाद में अब अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा गोल्डन चांस रहता है IP के जो लोग प्रॉपर दिल्ली के हैं, है ना। तो अगर अब 3 लाख इन सेंस की इसमें से आपका कैटेगरी वगैरह होना मस्त है यार, जनरल वाले के लिए फ्लैट में नहीं बात कर रहा हूँ। उसके बाद में तो थर्ड नंबर पर हमारा हरियाणा की काउंसलिंग यार, इसमें राउंड 1 और राउंड 2 ऑलमोस्ट हो गया है, अभी कॉलेज लेवल काउंसलिंग चल रही है, अगर आप चाहें तो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा चीज़, यहाँ पर गवर्नमेंट का हर एक कॉलेज के लिए अलग अलग फॉर्म वगैरह निकले हुए, तो आप जाकर पोर्टल के थ्रू अप्लाई करिए और आपको एक अच्छा खासा एक गवर्नमेंट कॉलेज ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज तो मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा कैसा, एट एन एवरेज वाला। अब यार ब्रांच क्या मिलेगी, CS नहीं मिलेगी, EC के बाद वाली ब्रांच मिलेगी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल। अब अगर हम बात करें कि फोर्थ नंबर पे हमारा फोर्थ ऑप्शन ऐसा कौन सा है जिसके थ्रू हम यहाँ पर पार्टिसिपेट वगैरह कर सकते हैं, तो जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे, जो हमारी लोअर GPTIs आती हैं। अब लोअर GPTIs में से कौन कौन सा आ जाएगा, आपका गुरुकुल, कांगड़ी, हरिद्वार हो गया, मैं लोअर तो गुरुकुल को नहीं बोलूँगा, गुरुकुल तो एट एन एवरेज वाला, ठीक ठीक है। और HNB गढ़वाल हो गया, असम यूनिवर्सिटी हो गया, GGU बिलासपुर हो गया, इसके बाद में भी बहुत सारे SMDU यूनिवर्सिटी हो गई, इसका तो फीस भी यार 1.6 लाख पर ईयर है। तो अब इधर आप जाना चाहो तो आप जा सकते हो, लेकिन एक जो मिथ होगा आपके माइंड में वो मैं आज क्लियर कर देता हूँ। ऐसा मीनिंग नहीं है कि अगर आप जोसा काउंसलिंग के थ्रू लेते हो या आप CSEB काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेते हो
तो उन कॉलेज की एवरेज प्लेसमेंट 10-12 लाख वाली मस्त नहीं है कि हो। कून की एट एन एवरेज प्लेसमेंट भी हो सकती है 4 लाख भी हो सकती है, 5 लाख भी हो सकता है। जी गुरुकुल की अगर मैं बात करूं तो 4.5 ईयर हार्डली एवरेज प्लेसमेंट है इसका, मैक्स टू मैक आप इसको 4 भी बोल सकते हो। लेकिन सारे बच्चे यहां पर क्या करते हैं, ऑफ कैंपस की तैयारी करते हैं। अब एचएनबी घरवाल या जीजीयू बिलासपुर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या है ना कि आपको कम फीस में एक अच्छी खासी प्लेसमेंट मिल जाती है। अब ऑन कैंपस प्लेसमेंट को तो ज्यादा उम्मीद मत रखना, आपको ऑफ कैंपस ही अप्लाई करना पड़ता है। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि सीएसएबी के बाद में क्या होता है, जो सीएसएबी की अभी हम लोग बात कर रहे थे, सीएसएबी के बाद जो वैकेंट सीट होती है तो काफी सारे जो भी जीएफटीआईज है तो अपना एक सेपरेट पोर्टल, एक सेपरेट फॉर्म या जो सेपरेट एडमिशन प्रोसीजर निकलता है और वो हर साल से होता हुआ आ रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से प्रोसेस होता है, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और इस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, अगर आपके पास यार जैसे कि आप छत्तीसगढ़ से हो तो आप IIIT नया रायपुर के लिए ट्राई कर सकते हो, अगर आप ओडिशा से हो भुवनेश्वर के लिए ट्राई कर सकते हो, गुजरात से हो तो आप IIT राम अहमदाबाद वाले कैंपस के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब मैं बात करने वाला हूं जो राजस्थान के काफी सारे कॉलेज हैं यार, जैसे कि हरियाणा की ऑलमोस्ट काउंसलिंग फिनिश हो चुकी है, उसी तरीके से राजस्थान के जो पोर्टल है उसका भी काउंसलिंग रीप राजस्थान वाला ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। इनके यहाँ पे बहुत ज्यादा मैं बोलूंगा बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, यहाँ पर एट एन एवरेज वाले, मतलब गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से आपको काफी सारे कॉलेज मिल जाएंगे। मैं किसी भी कॉलेज का नाम नहीं लूंगा, यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज मिल जाएंगे जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इन कॉलेज में जाने से क्या होगा, आपकी डिग्री कम फीस में तो हो जाएगी, यहाँ पर जो फीस वगैरह है मेरे हिसाब से लगभग 40,000 रुपए पर ईयर के आसपास होगी, बहुत फीस होगी तो, और हॉस्टल वगैरह मिला के आपका 60-70-80 में कंप्लीट हो जाता पर ईयर, तो मतलब इधर फीस राजस्थान में बहुत कम है। तो मिनिमम फीस में आपके बीटेक की डिग्री मिल जाती है, अगर आप बीटेक की जस्ट एक डिग्री लेना चाह रहे हो तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है कि आप रीप राजस्थान के लिए अप्लाई कर सकते हो, बहुत सारे कॉलेज हैं जिनके लिए आप जा सकते हो। दूसरा चीज ये कि अगर आप इन कैंपस में भी जाकर अगर आप चाह रहे हो प्लेसमेंट लेना चाह रहे हो तो देखो ऑन कैंपस ज्यादा उम्मीद मत रखना, जो भी करना है आपको सेल्फ स्टडी से करना है, अपनी टेक्निकल स्किल्स को इनहांस करके आपको अपनी प्लेसमेंट उठानी है। उसके बाद में जो हमारा और एक गोल्डन चांस, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जैक चंडीगढ़ का, तो जैक चंडीगढ़ के अंदर भी यार UIT चंडीगढ़ सबसे बढ़िया, उसके बाद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वाला कैंपस हो गया, उसके बाद में UIT होशियारपुर कैंपस हो गया, और एक आपका डॉक्टर SS भटनागर जो कैंपकल के लिए काफी बढ़िया माना जाता है। और उसके साथ साथ अब यहां पर क्या ना कि लास्ट ईयर के अगर आप इस पे कट ऑफ्स पर मैंने एक वीडियो बनाई थी तो उसमें आराम से लास्ट तक आपको 3-4 लाख रैंक तक मिल जा रहा था, तो मैं बोलूंगा उसके लिए भी आप ट्राई कर सकते हो। अब यार 8 लाख रैंक पे यहां पर CS पॉसिबल नहीं है, CS कहीं पर भी पॉसिबल नहीं होती 8 लाख रैंक पर, या मैं बोलूंगा 1 लाख रैंक पर भी यहां पर CS मतलब बड़ी मुश्किल है। CS तो ऑल इंडिया कोटे से जाओगे तो बहुत सारे बच्चे होते हैं कहीं ना कहीं, तो एक कहीं ना कहीं अब ये आप समझ लो कि UIT के अंदर CS जब आपको मिल रहा होगा कोई लोअर ब्रांच या आपको कोई एट एन एवरेज ब्रांच फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल मिल रहा है तो बाकी जगह आपको EC मिल जा रहा होगा या IT मिल जाएगा ऑन दैट केस, तो वो आपकी थोड़ी सी रिजर्वेशन वगैरह पे भी डिपेंड करते हैं, अगर आप उस पर बोलेंगे तो हम एक कंप्लीट एक डिटेल्ड वीडियो भी ला देंगे। उसके बाद अदर स्टेट कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर IIIT गोरखपुर, तो सबसे बढ़िया एक मौका होता है कि IIIIT गोरखपुर के लिए भी आप लोग एक बार अप्लाई करें। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट कॉलेज है यार HBDO कानपुर, तो इसका नाम तो सबने सुना ही होगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा पॉपुलर कॉलेज है और यहाँ की लोअर ब्रांच की जो प्लेसमेंट होती है वो बहुत ही डिसेंट रहती है। अब मैं बात करने वाला हूँ 10th नंबर पे हमारा जो कॉलेज आता है HBTO कानपुर, तो यार इस कॉलेज का नाम तो सबने सुन रखा होगा। अब जो मैं कॉलेज की सीरीज बता रहा हूँ, पोर्टल के नेम बता रहा हूँ, इसका ओवरऑल एक मीनिंग आपको बताऊँ, या तो आप काउंसलिंग अभी जो सिनेरियो है बहुत सारी काउंसलिंग ऑन गोइंग थी स्टेट लेवल की वो ऑलमोस्ट फिनिश होने वाली है, आपका MP का हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश को ऑन गोइंग है, तो इन 3 स्टेट्स के लिए भी आप अप्रोच कर सकते हो बिकॉज अभी इनका कॉलेज लेवल काउंसलिंग चल रहा है जिसको हम शॉर्ट में CLC बोलते हैं, बाकी इनका राउंड 1 राउंड 2 हो चुका है। देखो काउंसलिंग में 2 ही फेज इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है कि आपने ऑन स्पॉट एडमिशन ले लिया आपकी रैंक बहुत अच्छी थी, एक होता है जैसे अभी कुछ काउंसलिंग निकल के उनका स्पॉट राउंड चल रहा है, तो ओवरऑल आपके लिए स्पॉट राउंड सबसे ज्यादा मायने रखता है, तो कुछ जगह जहां पर भी स्पॉट राउंड चल रहा है वहां के लिए आप अभी भी अप्लाई कर सकते हो, बाकी आप बाद में भी अप्लाई कर सकते हो, एट लास्ट में भी काफी सारे ऑप्शन बन जाएंगे। HBDO कानपुर की अगर हम बात करते हैं तो 3.5 लाख रैंक तक यहाँ पर लोअर ब्रांच मिल जाती है, वो आपकी हो सकता है लेदर मिले, बायो केमिकल इंजीनियरिंग मिले। तो जब भी हम बात करते हैं कि लास्ट रैंक पे हमको क्या मिल रहा होगा, 3.5 लाख रैंक की अगर हम बात करें या तो हमको लेदर मिल रही होगी,
या तो हमको बायोकेमिकल इंजीनियरिंग मिल जाती है, ठीक है। और इसके बाद अगर और थोड़ा सा हम लोग मतलब ऊपर की तरफ आए तो पेंट, प्लास्टिक, ऑयल, फूड, लेदर, बायोकेमिकल, ये पूरा सीक्वेंस है लोअर ब्रांच पे यहाँ का। उसके बाद में जो हमारा इलेवेंथ नंबर पे जो हमारा एक पार्ट और है जिसपे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहे थे, जिनकी रैंक 8 लाख रैंक है, तो CS और IT तो ऑलमोस्ट यार इम्पॉसिबल है, मैं बोलूंगा इम्पॉसिबल है। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा जो ब्रांच आपको मिल सकती है ऑन दैट सिचुएशन की किसी एक गवर्नमेंट कॉलेज में आपको EC मिल सकती है, कोर ब्रांच मिल सकती है, इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल वगैरह मिल सकती है, आप ऑप्ट कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, आपको कुछ भी काउंसलिंग से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे हमारे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यार एक मैंने मेंटरशिप प्रोग्राम को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है, थोड़ा आपके लिए ये समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज अगर आप कोई लोअर कॉलेज ऑप्ट करते हो तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर लोअर कॉलेज में आपकी प्लेसमेंट का फिर अगर आप उम्मीद रख रहे हो तो उस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपने ब्रांच भी लोअर ले ली, कॉलेज भी कहीं ना कहीं लोअर हो गया आपका, तो उस सिचुएशन में आप अपना स्टडी को कंटिन्यू कैसे करोगे, आप क्या फेज को यहां पर रखने वाले हो, किस तरह से आपकी आगे की प्लानिंग रहेगी ताकि आपको प्लेसमेंट मिल जाए। तो उसके लिए यार एक मैंने कंप्लीट मेंटरशिप प्रोग्राम रखा हुआ है जिसमें कि आपका काउंसलिंग वाला पार्ट भी इंक्लूडिंग है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर तक। हाँ, अगर आप किसी भी कॉलेज में हो, फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो अगर बाद में भी देखते हो, ऑन दैट केस की आप भी उस टाइम पर भी मुझे अप्रोच कर सकते हो। वैसे ये 4 ईयर का कंप्लीट मेंटरशिप प्रोग्राम है, काउंसलिंग से लेकर पूरा उनको 4 ईयर तक कंप्लीट सपोर्ट मिलता है। तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा लोअर कॉलेज और लोअर ब्रांच और प्राइवेट कॉलेज वालों के लिए है, तो यहां पर जितना फोकस हम लोगों का होता है कि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड रहता है सारा का सारा, जिसमें आपको फ्रीलांसिंग हो गया, ये सारी चीजें। फ्रीलांसिंग में क्या है कि मैं आपको बताऊं कि सारा का सारा आपको कोर्स वाला पार्ट यहां पर मिल जाता है, वो आपका सी प्रोग्रामिंग का कोर्स हो, जावा हो, पाइथन हो, एंड्रॉइड डेवलपमेंट हो, वेब डिजाइनिंग हो, सारे कोर्सेज आपको अपने नीड स्किल्स के अकॉर्डिंग हम लोग सिखा देते हैं कि जो हम लोगों को नीड होता है, क्योंकि हमारे यहां पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो एज एन इंटर्न वर्क कर रहे होते हैं, तो उनको हम इस से सिखाते हैं, जैसे कि हमारा एक एप्लीकेशन है कॉलेज प्रिडिक्टर, आई थिंक आप सारे जानते होंगे, तो वो भी हमारे स्टूडेंट्स ने ही बनाया हुआ है। तो बहुत सारा ऐसा वेबसाइट का वर्क रहता है, तो ये सारा एज एन इंटर्न आपको मिल रहा होता है, अप टू 15,000 तक हम आपको फ्रीलांसिंग में, जब एज एन फ्रीलांसर वर्क कर रहे होते तो उस टाइम पर हम आपको पे भी करते हैं। तो वीडियो आज की यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आई तो लाइक करेगा, और यार इस पे पूरा के पूरा एक बहुत मेंटर्स हैं, उनकी एक लिस्टिंग दे रखी है, ऑलरेडी वो किसी न किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो आपके लिए मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर आप कहीं से भी पेड काउंसलिंग करा रहे हो, ऑन दैट केस भी हमारे आप कोर्सेज में इनरोल कर सकते हो, अगर आपको बाद में पता चलती है तो। नंबर मेरा ये है, आप इस पे कॉल करके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।